अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में मैं आज आप लोगों के साथ क्रैक हील से रिलेटेड वीडियो शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट तरह की क्रैक हील से रिलेटेड वीडियो है। मैंने कोको कोला की बोतल के साथ भी एक क्रैक हील की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप इसको भी देखिएगा, ये भी ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, स्किन को सॉफ्ट कर देगी। क्रैक हील का जो मसला है उसके लिए ज़बरदस्त ये रेमेडी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर करिएगा, अपनी बहन की मदद किया करें। जहाँ तक भी आपके साथ अपने मिलने वालों में, फैमिली फ्रेंड में, मेरे चैनल की शेयरिंग किया करें, तो डेली देखा करें वीडियो। और जो लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देते हैं, इनका बेहद शुक्रिया। तो फिर चलते हैं, आसान सी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। क्रैक हील्स का जो मसला, ये सर्दियों में नहीं, ये गर्मियों में भी हो जाता है। तो इससे ये आपकी जो कि पाँव के ऊपर जूते का निशान है उसके भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेंगे, वो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि पाँव जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए, ये है मेरे पास कोकोनट ऑयल, ठीक है। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में कोकोनट ऑयल जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो ये कोकोनट ऑयल मेरा होममेड है, मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड की हुई है कि कोकोनट ऑयल घर में कैसे हम बना सकते हैं। तो आपको अगर घर में बनाने का शौक है तो आप देखिएगा, मेरे चैनल पर बहुत ही डिफरेंट तरह के ऑयल है और आगे भी बहुत ही मज़ीद ऐसे डिफरेंट ऑयल की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आज तक आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखे होंगे। उसके साथ मुझे चाहिए ये नींबू चाहिए, और ये है जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये मेरे पास आलू आलू का पानी है, ठीक है। ये देखिए, आराम से मैंने ना इसके ऊपर से ना ये पानी निकाल लेना है, ठीक है जी। ये पानी हमने हटा देना है और इसके नीचे ये देखें, अब ये देख रहे हैं ये जो स्टार्च बैठा हुआ है ना, ये हमें स्टार्च चाहिए इसका, ठीक है जी। पानी हमने हटा दिया, आलू का जो सारा पानी था ये हमने इसको ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद ये जो सारा पानी ये मैंने हटा दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमने करना क्या है जी, ये है मेरे पास कोकोनट ऑयल और लेमन, इनको मैंने इसके मैं पीसेस कट कर लेती हूँ। मोटे मोटे हमने इसके ना पीसेस कट कर लेने हैं। लेमन ऑयल बनाएंगे कोकोनट के साथ, ठीक है जी। पहले भी मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत जल्दी आप लोगों के साथ डिफरेंट सा एक लेमन ऑयल की रेमेडी शेयर करूँगी जो कि स्किन को ब्राइट भी करता है और दाग धब्बे दूर कर देता है। तो इस तरह आपने इसके मोटे मोटे पीसेस कट कर लेने हैं। कट करने के बाद हमने एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने इसको डालना है और इसको इतनी देर पकाना है कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए, कोकोनट ऑयल का और लेमन का, ठीक है जी। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो लेमन के छिलके और कोकोनट ऑयल, ठीक है, इसको मैंने पका लिया, ठीक है। पकाने के बाद हमने इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं इस ऑयल को। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास स्टार्च है ना, ठीक है, इसके अंदर ये मैंने लेमन कोकोनट ऑयल जो है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसके अंदर डाल के ये हमारे पास एक क्रीम फॉर्म में हो गया तैयार। ये देखिए, ये स्टार्च और लेमन जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला है, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपने इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करके रख लें, ठीक है जी। तो आप आपने करना क्या है जी, आपने ना एक बॉल ले लेना है, सबसे पहले एक बॉल लेना है। सबसे पहले आपने अपने पाँव को वॉश किस तरह करना है, अपने एक आपने नीम गर्म पानी का टप ले लेना है, ठीक है जी। उसके अंदर आपने डाल देना है हाफ टी स्पून जितना नमक, ठीक है जी, नमक चला गया। साथ में ये मेरे पास एप्पल साइडर विनीगर, इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि ये किस तरह हम घर में बना सकते हैं, ये आपने डाल देना है, ठीक है। ये नीम गर्म है पानी, ठीक है जी, इसके अंदर आपने अपने पाँव को डिप करना है, डिप करेंगे, ठीक है। और अच्छे से आपने ना किसी भी मास्क जो फेस वॉश होता है या आपके पास बेबी शैम्पू है वो आपने ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने 15 मिनट आपने डिप करके रखने हैं अपने पाँव को, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ना इसके अंदर अपने पाँव को निकालना है और
अपने पाँव को अच्छे से रगड़ रगड़ के ना अपनी एड़ियों को साफ़ करना है। साफ़ करेंगे तो ये पानी हमारा एक तरफ कर देंगे। उसके बाद जब आपने अपने पाँव को अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो अपने पाँव के ऊपर आपने ये जो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्च की क्रीम बनाई है आलू के स्टार्च के साथ, ठीक है जी, ये क्रीम आपने अपने एड़ियों के ऊपर इस तरह सर्कल मोशन के ऊपर आपने ना इस तरह इसको लगा लेना है, ठीक है जी। सर्कल मोशन में आपने इसको लगा लेना है, रात को ये आपने काम करना है, ठीक है, और रात भर आपने लगा रहने देना। और सुबह को सादे पानी के साथ आपने अपनी एड़ियों को आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है, अपने फुट को वॉश कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको चंद दिन ही आप इसको करेंगे ना इस तरीके के साथ, तो आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट आपकी एड़ियाँ हो गई हैं। दूसरा ये है कि आपके जो फुट का जो कलर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। ये देखें इसके लगाने से ही ये देखें कितनी ब्राइटनेस आई है मेरे हैंड के ऊपर, तो इसी तरह की ब्राइटनेस आपके फुट के ऊपर भी आएगी। ये थी आज की आसान सी क्रैक हील से रिलेटेड वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो देखते रहिएगा किचन विद हूर, और जो लोग वीडियो देखते हैं और जो कीमती वक्त देते हैं उनका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई और डिफरेंट सी वीडियो के साथ। कोई बात सामान आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।